से बोर्ड दिस इज सुमित रघुनाथ योर रीजनिंग मेंटर एसएससी तो। सीजीएल 2024 का जो मिशन लेके हम लोग ये क्लासेस चला रहे हैं डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर आप बैच समझ सकते हैं इसे जहाँ पे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सब में जो रीजनिंग आती है उसके सारे टॉपिक चैप्टर वाइज यहां पे कराए जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे वो भी बहुत पुराने नहीं दो हजार और तेईस के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे इसके पहले भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आप रीजनिंग फॉर एस एस सी नाम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कैलेंडर और लॉजिकल रीजनिंग के भी कई चैप्टर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये पर्टिकुलर टॉपिक डाइस है आपको पता है अगर आप एग्जाम को फॉलो करते हैं कि डाइस आपके एग्जाम में जरूर आता है प्री में भी आता है मेंस में भी आता है डाइस का वीडियो दो पार्ट में आएगा जिसका ये पार्ट वन है जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कभी भी आपको डाइस देकर किसी का भी ऑपोजिट पूछा जाए तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो सबसे पहले डाइस के बारे में हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जैसे कि डाइस कितने टाइप के होते हैं हमसे क्वेश्चन कितने टाइप के पुटअप किए जाते हैं और हर तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइस के टाइप से मतलब डाइस कितने प्रकार का होता है सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे डाइस जो होता है हमारा है क्या आपने लूडो गेम खेला जरूर है खेला नहीं है तो देखा जरूर है आप जानते जरूर है वहां पे एक डाइस होती है जिसके छह फेसेस होते हैं फेसेस को हम सतह बोलते हैं फलक भी बोलते हैं तो छह सतह फलक या छह फेसेस होते हैं और उन छह सतह फलक या छह फेसेस पे एक से लेके छह तक के नंबर लिखे होते हैं ये हम लूडो के डाइस की बात कर रहे हैं जो सबने देखी होगी जरूर तो डाइस का जो टाइप है वो यही से निकल के आता है कि डाइस जो है वो दो तरह की होती है एक होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डाइस और एक होती है स्टैंडर्ड डाइस अभी तक हम जिस डाइस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जैसे कि हमने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर लूडो की डाइस क्योंकि वही डाइस है जो सबने देखी है ज़रूर तो जो लूडो की डाइस होती है दैट इज स्टैंडर्ड डाइस और लूडो की डाइस को छोड़ के दुनिया में कोई भी और जो डाइस है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस नहीं क्या नॉर्मल डाइस तो लूडो की डाइस स्टैंडर्डाइज क्यों हुई और ऐसा क्या खास है उसमें कि वो स्टैंडर्ड डाइस है और अगर कोई डाइस लूडो का नहीं है तो फिर वो आपका नॉर्मल डाइस क्यों है और उसकी पहचान क्या होती है ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद ही ये चैप्टर स्टार्ट किया जा सकता है अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है जरा डेफिनेशन को देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन में देखते ना, तो आप कि हमेशा टू के अपोजिट में आपको फाइव ही, ही लिखा हुआ मिलेगा मैं एक्चुअली इसे यहाँ लिखती हूँ ताकि अगर आप इसका लास्ट में स्क्रीन शॉट ले क्योंकि कई बच्चे हैं जो नोट नहीं बनाते तो आप इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो क्या है ना

मतलब अगर वन लिखा है एक फेस पे वन लिखा है तो उसके अपोजिट फेस पे फाइव नहीं लिखा होना चाहिए फोर नहीं लिखा होना चाहिए थ्री नहीं लिखा होना चाहिए टू नहीं लिखा होना चाहिए अगर लिखा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो अगर वन लिखा है तो वन के अपोजिट तो में क्या चाहिए सिक्स चाहिए अगर टू लिखा है तो टू के अपोजिट में क्या चाहिए फाइव चाहिए थ्री लिखा है तो थ्री के अपोजिट में फोर चाहिए फोर लिखा है तो फोर के अपोजिट में थ्री चाहिए और अगर फाइव लिखा है तो फाइव के अपोजिट में टू चाहिए सिक्स लिखा है तो सिक्स के अपोजिट में वन चाहिए मतलब यह रहा कि स्टैंडर्ड डाइस यानी लूडो की डाइस की शर्त ये होती है कि विपरीत फलक पे विपरीत सतह पे अपोजिट फेस पे वही नंबर्स लिखे होने चाहिए जिसे ऐड करने पे सेवन आए और अगर ऐसा नहीं है तो डाइस नहीं है और अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो वो कौन सा डाइस बन जाता है नॉर्मल नॉर्मल डाइस डाइस पे लिखा है है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? अगल बगल जैसे कि चार के अगल बगल कौन कौन है तीन भी है पांच भी है पांच के अगल बगल कौन है तीन भी है चार भी है तीन के अगल बगल कौन है चार भी और पांच भी है तो नॉर्मल डाइस कहता है कि अपोजिट में नहीं हमें अपोजिट में तो नहीं पता

आप कैसे देख पाओगे कि चार के नीचे तीन लिखा है या कुछ और लिखा है क्योंकि चार का जो अपोजिट फेस है वो नीचे है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है दो का जो अपोजिट फेस है वो इधर है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है वन का भी अपोजिट फेस इधर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है सो द प्रॉब्लम इज दैट कि जब अपोजिट फेसेस आपको दिखते ही नहीं है तो आप कैसे देख के बता पाओगे कि इसके अपोजिट में वही नंबर लिखा है जिसे जोड़ने पर साथ आ जाएगा यानी कि आप कैसे बता पाओगे कि ये पर्टिकुलर डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं इसीलिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज लाई गई कि ठीक है एक तरीका निकाला जा रहा है आपको एक बार में क्योंकि आप टू इमेज देख रहे हैं तो किसी भी डाइस का एक बार में आपको केवल तीन फेज दिखाई देगा ठीक है अब अगर उन्हीं तीनों को देख के आपको डिसाइड करना है कि वो पर्टिकुलर डाइस कौन सी डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है तो उसका एक तरीका निकाला गया क्या निकाला गया कि आप अगल बगल के फेसेस को जोड़ के देखिए अगल बगल के फेसेस को जोड़ के देखने का मतलब एक में चार जोड़ के देखिए पांच आएगा एक में दो जोड़ के देखिए तीन आएगा क्या किसी को जोड़ने पे सात आया नहीं दो में चार जोड़ने पे छह आएगा दो में एक जोड़ने पे तीन आएगा किसी को जोड़ने पे सात आया नहीं इसी तरीके चार एक पांच चार दो तो आपको तीन नंबर दिख रहे हैं अगर किसी को किसी में जोड़ने पे सेवन नहीं आएगा तो आपको मानना है कि वो कौन सी है, है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना गया कि अगर किसी को जोड़ने पे सेवन नहीं आया अगल बगल इसका मतलब कि उनमें सेवन जोड़ने के लिए जिन नंबर को जोड़ा जाना चाहिए वो उसके बगल में नहीं बल्कि उसके विपरीत लिखे हैं अगेन अगर चार के बगल में तीन नहीं लिखा गया है कहीं पे भी तो मान लिया जाता है कि तीन चार के विपरीत में लिखा गया है ये पहचानने का तरीका है लेकिन जो तीन नंबर आपको दिख रहे हैं उनमें अगल बगल जोड़ने पे अगर सात आ गया जैसे पांच चार नौ पांच तीन आठ यहाँ पे तो नहीं आया सात लेकिन चार और तीन जोड़ने पे क्या आ गया सात आ गया तो बगल में ही जोड़ने पे सेवन आ गया चार के बगल में ही तीन इन्होंने लिख दिया इसका मतलब चार के पीछे तीन के अलावा कुछ और लिखा है के विपरीत में तीन तो नहीं होगा ना क्योंकि तीन तो दिख रहा है उसके बगल में लिखा है मतलब चार के एक, एक होगा या तो दो होगा या तो चार खुद तो हो नहीं सकता पांच खुद खुद नहीं हो सकता छह होगा मतलब चार के पीछे एक दो या छह में से कोई एक है और चार के पीछे एक होगा तो चार एक पांच चार के पीछे दो होगा चार दो चार के पीछे छ होगा चार दस किसी को भी जोड़ने पे साथ नहीं आएगा और आपका जो स्टैंडर्ड है उसकी शर्त होती है कि सबके अपोजिट में वही नंबर लिखो जोड़, जिसे जोड़ने पे सात आए अब चार के पीछे वो नंबर नहीं है जिसे जोड़ने पे सात आए चार के बगल में वो नंबर लिख दे मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है और दुनिया की कोई भी डाइस अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो कौन सी डाइस हो जाएगी नॉर्मल डाइस हो जाएगी आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ठीक है कभी भी आपको डाइस दिखे अगर डाइस की एक से ज्यादा सिचुएशन दिखाई गई है एक से ज्यादा सिचुएशन का मतलब क्या होता है जब आप क्वेश्चन देखते हो कि फाइव का अपोजिट क्या होगा इन डाइस में तो एक नहीं डाइस की कई सारी पिक्चर्स बनी होती है वो अलग अलग डाइसेस नहीं होती हैं, एक ही डाइस की अलग अलग सिचुएशन होती है देखो एक डाइस के आठ कोने होते हैं अभी आपको ये जैसे ये वाले डाइस है एक कोने से ये कॉर्नर है ना एक कोने से दिखाया जा रहा है तो आपको कितने इसकी सतह दिख रही है तीन सतह दिख रही है वैसे ही डाइस के आठ कोने होते हैं तो आपको एक डाइस को आठ तरफ से दिखाया जा सकता है मतलब एक क्वेश्चन में एक ही डाइस की मैक्सिमम आठ पिक्चर देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अगर आपको एक डाइस की कई सिचुएशन दी गई है और एक सिचुएशन में अगल बगल जोड़ने पे साथ नहीं आ रहे लेकिन उसी की अगली वाली पिक्चर में सेम डाइस की अगली पिक्चर में जोड़ने पे साथ आ जाएगा तो नॉर्मल डाइस हो जाएगा इस चीज को बार बार देखिए बार बार समझिए अगर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है अब हम आगे प्रोसीड करते हैं चलिए देखिए आपसे यहाँ पे हम पढ़ने क्या वाले हैं आज के सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड अपोजिट जब आपसे पूछा जाए जैसे कि देखो कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सी डाइस है ऐसे क्वेश्चन नहीं आता ये तो बस आपको कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए तो ये तो आपको ऐसे ही बताया गया था लेकिन अब बात करते हैं कि जब आपसे अपोजिट पूछा जाएगा तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे एक तो पूछा जाता है क्लोज डाइस देके और एक पूछा जाता है ओपन डाइस देके

यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है मान लो आपसे पूछा जाए कि वन का अपोजिट क्या होगा मान लीजिए आपसे क्या पूछा गया वन का अपोजिट क्या होगा ठीक है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उनसर उसका आंसर देने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी डाइसेस है आपके सामने दो डाइस है तो क्या ये दो अलग अलग डाइस है नहीं ये दो अलग अलग डाइस नहीं है एक ही डाइस को दो तरफ से आपको दिखाया गया है सेम क्वेश्चन में चाहे जितनी डाइस बने वो एक ही ही डाइस होती है समझ में आ गया होगा अब क्या है ना आपको अपोजिट निकालने के लिए बोला गया तो उसके केवल दो तरीके हैं आपको डाइस की जो सिचुएशंस दी गई है उन सिचुएशंस में दो डाइस में अगर कोई एक चीज कॉमन आ जाए या दो डाइस में कोई दो चीज कॉमन आ जाए पहला तरीका हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर डाइस की किन्ही दो सिचुएशन में कोई एक चीज कॉमन आ जाए If one of the is in both the dice, दोनों में कोई एक, तो 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 एक चीज कॉमन होती है तो उसका तरीका है उस कॉमन वाली चीज को लिख लीजिए जैसे फोर दोनों में कॉमन है तो फोर लिख लीजिए अब क्या करिए क्लॉक वाइज घुमाइए कि फोर के बाद क्या आया फाइन और फाइव के बाद क्या आया थ्री क्लॉक लिख लीजिए कि भाई पहले वाले में फोर के बाद क्या आया फाइव फाइव के बाद क्या आया थ्री अब इसमें भी वही काम करिए के 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 बाद आया? Two. Two के बाद 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 आया Two. Two के बाद आया 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 क्या लिख लीजिए आंसर आ गया आपसे वन का अपोजिट पूछा था वन का अपोजिट क्या है थ्री फाइव का पूछा होता तो क्या होता टू अब फोर का कौन होगा देखिए आपको पता है कि पे टोटल छह नंबर्स होते हैं कितने होते हैं छ नंबर्स एक ही डाइस की दो फोटो दिखाया और दो फोटो में आपको एक भी दिखा दिया दो भी दिखा दिया तीन भी दिखा दिया चार भी दिखा दिया पांच भी दिखा दिया सब लोग दिख रहे हैं कौन नहीं दिख रहा है छह नहीं दिख रहा है दोनों पिक्चर्स में कौन गायब है छह गायब है और चार को दो बार लिख दिया गया तो जो चीज रिपीट हुई है वो उसका अपोजिट होती है जो कि गायब है चार को दो बार लिखा गया छह का जो स्थान है वो किसने ले लिया चार ने ले लिया तो छह चला गया चार के अपोजिट में जो चीज कॉमन होती है उसके अपोजिट में वो नंबर आता है जो गायब है तो दोनों में कॉमन कौन है चार और दोनों में गायब कौन है छह मतलब छह किसके पीछे लिखा होगा चार तो चार का अपोजिट क्या हो जाएगा छह इस तरीके से अपोजिट निकाला जाता है वेन एनी वन एलिमेंट इज कॉमन इन टू सिचुएशन ऑफ अप समझ में आ गया होगा अब जैसे कि ये देखिए इन दोनों में आपको कॉमन कौन दिख रहा है तीन आप देखो तीन दोनों में क्या है कॉमन है यहाँ पे भी तीन है और यहाँ पे भी तीन है ठीक है अब आपसे अगर तीन का ही अपोजिट पूछे तब आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि तीन कॉमन है और दोनों में गायब कौन है वन तो थ्री का अपोजिट वन तो आपको पता ही है सबका भी निकाल सकते हो जैसे थ्री के बाद फोर फोर के बाद टू लिख लीजिए थ्री के बाद फोर फोर के बाद टू अगले वाले में थ्री के बाद फाइव फाइव के बाद six. लिख लीजिए के बाद फाइव फाइव के बाद सिक्स टू का अपोजिट सिक्स फोर का अपोजिट फाइव थ्री का अपोजिट क्या होगा जो गायब है कौन गायब है वन गायब है ठीक है ये तो एकदम बेसिक तरीका हो गया अगला तरीका सुन लीजिए अगर जो चीजें कॉमन है जैसे थ्री कॉमन है और दोनों सेम फेस पे है सेम फेस क्या होता है है ये भी ऊपरी सतह पे लिखा है और इधर भी जो तीन है वो ऊपरी सतह पे लिखा है तो जो कॉमन चीजें होती है अगर वो सेम फेस पे होती है तो सेम सेम फेस वाले एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं यानी कि बाई तरफ यहाँ पे दो लिखा है बाई तरफ छह लिखा है तो दो का अपोजिट छ होगा दाई तरफ पे चार लिखा है यहाँ दाई तरफ लिखा है तो चार का अपोजिट पांच होगा फिर आपको ये करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आई होप समझ में आ रहा है ये आपका तरीका हुआ पहला अपोजिट निकालने का दूसरा तरीका वेन एनी टू नंबर आर सेम इन टू डाइस इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजिशन ऑन द डाइस जब एक नहीं बल्कि कोई दो चीजें कॉमन हो जाए जैसे कि आप देखो दो और छह यहां भी देखो दो और छह इिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिचुएशन का तो मतलब वो कहीं भी लिखे हो किसी भी फेस पे लिखे हो आप देख रहे हो कि दो और छह दोनों में लिखा है तो गाइज अगर दो सिचुएशन में दो चीजें कॉमन हो जाती हैं तो बची हुई तीसरी चीजें एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं जैसे कि यहां पे कौन बचा फाइव यहाँ पे कौन बचा थ्री तो फाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा थ्री ये समझ में आया अब मान लीजिए आपसे दो का अपोजिट पूछा जाए या फिर छह का अपोजिट पूछा जाए कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि जो चीज कॉमन होती है उसका अपोजिट वो होता है जो गायब है अब यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने किए एक ही चीज गायब होती थी एक ही नंबर कॉमन होता था तो जो एक नंबर कॉमन होता था उसका अपोजिट वो हो जाता था जो गायब है बट हियर द प्रॉब्लम इज दैट कि दो चीजें कॉमन है और दो चीजें गायब है मतलब कि दो का अपोजिट आने के लिए देखो यहाँ पे आ, कौन कौन गायब है वन भी गायब है और फोर भी गायब है हमें पता है कि एक और चार दो और छह के पीछे ही लिखे हैं दो और छह के पीछे ही एक और चार लिखे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक किसके पीछे लिखा है और चार किसके पीछे लिखा है हो सकता है दो के पीछे एक बैठा हो और छह के पीछे चार बैठा हो लेकिन ये जरूरी नहीं है हो सकता है चार जो है वो दो के पीछे और एक जो है वो छह के पीछे हो तो अगर दो चीजें कॉमन है और इन दोनों के अलावा कोई तीसरी फोटो भी नहीं है इस दो डी तो आएगा।, आएगा या फिर आइदर और करके फोर और वन दिया होगा उसे टिक करेंगे केवल पांच का कंफर्म है कि पांच का अपोजिट क्या होगा तीन होगा आई होप समझ में आ रहा है इफ नो नंबर और नो एलिमेंट इज कॉमन इन टू सिचुएशन ऑफ अ डाइस अगर आपको दो सिचुएशन दी गई है जहां कुछ भी कॉमन नहीं है कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसे कंसीडर करेंगे क्या हम उसे स्टैंडर्डाइज कंसीडर करेंगे अगर दो सिचुएशन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो स्टैंडर कंसीडर कर लेते हैं तो अपोजिट कैसे निकालेंगे मैम जब कुछ कॉमन नहीं है तो अपोजिट निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में दो का अपोजिट पांच चार का अपोजिट तीन एक का अपोजिट रटा हुआ है निकालने की जरूरत नहीं है तो दो ही तरीके होते हैं अपोजिट निकालने के उसे समझिए प्रैक्टिस के लिए अब हम एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग फोर डॉट यानी कि चार डॉट का अपोजिट क्या होगा पूछ रहा है चार का अपोजिट क्या होगा पूछ रहा है आपको एक डाइस की दो सिचुएशन दी गई है जिसमें आप देखो कॉमन है क्या कुछ हाँ देखो यहाँ भी एक डॉट है और यहां भी एक डॉट है है ना ये आपको कॉमन मिला उसके बाद ये आपका यहां भी देखिए फाइव डॉट्स है और यहां भी आप देखिए कितने डॉट्स है फाइव तो कितनी चीजें कॉमन है दो चीजें कॉमन है एक और पांच जब दो चीजें कॉमन है तो बची हुई तीसरी चीजें एक दूसरे की अपोजिट होती मानिए ये चार है और ये दो है यही लोग बचे हैं तो चार का अपोजिट क्या हो गया दो समझ में आ गया अगर एक का अपोजिट पूछता या पांच का पूछता तो कंफर्म ना हो पाता यहां पे आंसर आएगा टू आई होप समझ में आ रहा है अगला क्वेश्चन टू ऑफ अ डाइस आर शोन फोर इज एट द बॉटम नंबर विल बी ऑन टॉप अगर चार नीचे है तो टॉप पे क्या होगा यानी कि चार का अपोजिट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है आप जरा देखिए दोनों में कॉमन कितनी चीजें केवल कि एक ही चीजें कॉमन है और वो क्या कॉमन है एक कॉमन है और देखो मैंने आपको क्लॉकवाइज वाला सिखाया है लेकिन मैंने आपको एक चीज और सिखाई है जो चीज कॉमन है अगर वो सेम फेस पे हो जैसे एक कॉमन है और एक सेम सतह पर है दोनों में सेम ऊपर वाली ही सतह पर है तो सब सेम सेम वाले अपोजिट हो जाते हैं लेकिन आपसे किसका पूछा चार का अपोजिट पूछा चार तो यहाँ पे है ही नहीं जो चीज गायब हो है चार आपको दिख नहीं रही है लेकिन चार का अपोजिट पूछा है यानी कि चार इस डाइस पे लिखा जरूर है कहीं ना कहीं तो जो चीज गायब है यानी कि जो चीज आपको दिख नहीं रही है वो किसका अपोजिट होती है उसका जो चीज कॉमन है और कॉमन क्या है दोनों में वन तो वन का अपोजिट फोर फोर का अपोजिट होप हो समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्टिशन आर सोन मतलब इस डाइस को तीन बार फेंका गया और तीनों बार फेंकने पे जो पोजिशन आई वो आपको दिखाई गई है सिंपली एक, एक पर्टिकुलर डाइस की तीन सिचुएशन आपको दिखाई गई है अब आपसे पूछ रहे हैं कि वन का अपोजिट क्या है अब कुछ लोग कहेंगे मैम यहाँ पे तीन पिक्चर है हमें कोई मतलब नहीं काम हमें केवल कितने का है दो का काम है आप पहले इन दोनों में देखो कुछ कॉमन मिलेगा क्या तो इन दोनों में आपको कौन कॉमन मिल रहा है थ्री कॉमन मिल रहा है हो गया काम थ्री कॉमन हो गया सबका अपोजिट निकल जाएगा क्योंकि जब कोई एक चीज कॉमन होती है तो सबका अपोजिट पता चल जाता है दो चीजें कॉमन होती तब सबका नहीं पता चल पाता एक ही चीज कॉमन है और वो कौन है थ्री क्योंकि थ्री सेम फेस पे नहीं है मतलब कि यहाँ पे दाई तरफ है यहाँ बाई तरफ है तो क्लॉकवाइज करके देख लो तीन के बाद पहले वाले में आप देखो तीन के बाद क्या आ रहा है दो और दो के बाद क्या आ रहा है वन तो लिख लीजिए कि यहाँ पे थ्री है तो थ्री के बाद टू टू के बाद वन अगले में आप देखिए थ्री के बाद फोर फोर के बाद फाइव लिख लीजिए थ्री के बाद फोर फोर के बाद फाइव वन का अपोजिट क्या हो जाएगा फाइव अब कुछ लोग कहें कि मैम अगर हम पहले और दूसरे को आंसर आ गया आंसर आपका क्या है ऑप्शन सी फाइव ऑप्शन सी फाइव अगर आप इन दोनों को लेते तो आंसर आता क्या आप किसी भी दो को ले सकते जिससे आपका आंसर आ जाए देखो अगर आप दूसरे और तीसरे को लेते तो आपको कॉमन कौन मिलता फाइव कॉमन मिलता और आपसे वन का अपोजिट पूछा गया वन गायब है जो गायब होता है वो कॉमन वाले का अपोजिट होता है तो फाइव कॉमन है वन गायब है तब भी आपका फाइव का अपोजिट वन आपको पता चल जाता अगर आप पहले और आखिरी वाले को लेते तो आपको कॉमन मिलता टू

मतलब बी का अपोजिट क्या होगा ये आपसे पूछा गया है और आपको तीन पिक्चर एक सेम डाइस की दिखाई गई है आप देखो पहले दोनों में तो आपको कॉमन मिलेगा कौन एफ मिलेगा केवल एक चीज कॉमन है और लेकिन आपसे बी का अपोजिट पूछा और इनमें बी गायब है काम आसान हो गया जो कॉमन होता है उसी का अपोजिट गायब होता है मतलब बी का अपोजिट क्या होगा एफ ऑप्शन कौन सा बी आई होप समझ में आ गया होगा इन सेकेंड आप इसे कर सकते हैं आप इसे ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं वही लास्ट में आप उसी पे आ जाओगे कि एफ के नीचे एफ आएगा फिर आप जो सोचोगे एफ के नीचे तो वो होना चाहिए जो गायब है फिर देखो नंबर्स की बात आती है तो एक से छह तक के नंबर है ये पता है लेकिन जब लेटर्स की बात आती है छब्बीस अक्षर है तो गायब वाला अक्षर कौन सा है ये आपको दो तरीके से पता चल जा रहा है यहाँ पे एक तो ऐसे क्योंकि बी का अपोजिट पूछ है तो बी जरूर है इस डाइस पे और अगर यहाँ पे ना भी होता तो तीसरी वाली डाइस पे बी लिखा है इससे भी पता चल रहा है कि इस डाइस पे बी लिखा है जो की गायब है तो वो एफ का अपोजिट है ठीक है बातें समझ में आ रही होंगी नहीं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर ये क्वेश्चन देखिए अगेन आपसे बी का अपोजिट पूछा है आप पहले दोनों को देखिए तो पहले दोनों में आपको बी कॉमन मिला डी कॉमन मिला तो इससे तो केवल एफ और सी का अपोजिट पता चल पाएगा और जब दो चीजें कॉमन होती है तो जो खुद कॉमन है उसका अपोजिट कंफर्म नहीं हो पाता अब आप इन दोनों को देखिए इन दोनों में डी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है काम बन गया ना क्योंकि डी और सी मतलब कि दो चीजें कॉमन है तो बचा क्या यहां पे बचा बी और यहां पे बचा ए e. तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा ई यानी कि ऑप्शन नंबर डी चलिए ये क्वेश्चन देखिए ग्रे का अपोजिट आपसे पूछा है आप पहली दो सिचुएशंस में देखिए ग्रीन पिंक ग्रे और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पिंक और ग्रे अगर दो चीजें कॉमन है तो जो कॉमन है उसका अपोजिट पता नहीं चल पाता ग्रे का पूछा है तो यहाँ से हम ग्रे का नहीं बता पाएंगे क्योंकि दो चीजें कॉमन है अगर इन दोनों में देखा जाए तो पिंक ब्राउन ग्रे और ग्रे ग्रीन और पर्पल केवल एक ही चीज कॉमन है और ग्रे जिसका की पूछा है वो खुद कॉमन है लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि केवल एक चीज कॉमन है तो जो कॉमन है उसका अपोजिट पता चल जाता है एक चीज कॉमन होने पे जो कॉमन है अगर एक चीज कॉमन है तो उसका अपोजिट वो होता है जो गायब है अब देखो पिंक ग्रे ब्राउन पर्पल ग्रीन ग्रे में गायब कौन सा कलर है ये कौन सा कलर है जो कि गायब है उसके लिए हम बाकी की सिचुएशन की हेल्प लेंगे जैसे कि इस वाली फोटो में देखो गोल्डन भी है यानी कि इस डाइस में गोल्डन कलर भी लिखा है लेकिन वो दिख नहीं रहा वो गायब है वो गायब है तो किसके पीछे होगा ग्रे के पीछे होगा ग्रे का अपोजिट हो जाएगा गोल्डन ऑप्शन ए इजी है समझ में आ रहा होगा ये 2022 का क्वेश्चन इस समय जो आपके सामने है आपसे एक का अपोजिट पूछा है तो आप पहले दो सिचुएशन में जाके देखिए एक पांच चार तीन छह पांच कौन कॉमन मिला पांच आ जाएगा आंसर एक चीज कॉमन है तो सबका आंसर आ जाता है पांच के बाद एक एक के बाद चार इस वाले में पांच के बाद तीन तीन के बाद छाइज देखिए एक के नीचे कौन आया तीन तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर और आंसर कौन सा थ्री दो का क्वेश्चन है ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है अप्रैल में जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसका आपसे चार का अपोजिट पूछ रहा है एक ही डाइस की दो सिचुएशन दी है जिसमें कॉमन कौन कौन है थ्री और टू कॉमन है काम बन गया थ्री और टू कॉमन है तो बचा कौन फोर और फाइव तो फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा फाइव ये आपका दो हजार बाईस का ये लगा। तीन क्वेश्चन 2022 के ही हैं आपसे क्यू का अपोजिट पूछा है किसका पूछा है Q का पहले दो सिचुएशन में आप देखो कुछ कॉमन है क्या हाँ जी कॉमन है कौन कॉमन है टी कॉमन है ठीक है फिर तो काम हो गया पहले वाले में टी के बाद क्लॉकवाइज ऐसा आता है एस के बाद क्लॉकवाइज क्यू आता है दूसरे वाले में टी के बाद क्लॉकवाइज आर आता है आर के बाद क्लॉकवाइज यू आता है तो क्यू का अपोजिट हो जाएगा यू यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है आंसर आ सकता था बिल्कुल आ सकता था कैसे आता आप देखते कि दोनों में क्या कॉमन है यू कॉमन है एक ही चीज कॉमन है यू और यू कॉमन है और गायब कौन है क्यू तो यू का अपोजिट क्या हो जाता है क्यू क्यू ही गायब है कैसे पता चलता हमें भाई एक तो पहले वाले डाइस में क्यों लिखा है मतलब क्यों इस डाइस में है और वो दिख नहीं रहा है तो वो गायब है और अगर वहां तीसरी डाइस ना भी होती तब भी हो जाता क्वेश्चन में क्यों का अपोजिट पूछा है यानी कि क्यों जरूर इस डाइस में कहीं ना कहीं हो है तो ये हम आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं कि कैसे पता करेंगे अगर कभी ऐसा हो कि क्यों का पूछ लेकिन ये पहली वाली डाइस ना दे रहे तो आप सोचो ये ना सोचने लग रहा कि क्यों तो यहाँ पे है ही नहीं क्यों का पूछे यानी कि क्यों यहाँ पर है क्यों गायब है तो क्यों कॉमन वाले का अपोजिट होगा ये हम तब की बात बता रहे हैं अगर आपको केवल ये दोनों फोटो दिया होता पहली वाली फोटो ना दी होती तो ठीक है इतने क्वेश्चन काफी हैं इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए इस तरह के टाइप को प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे मैं पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दे रही हूं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा पीडीएफ का जहां पे आपका 2022 के जितने भी क्वेश्चन डाइस के आए हैं सारे आपको मिल जाएंगे तो वो जरूर प्रैक्टिस करिए टू मास्टर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाकी जो सेशन है ओपन बॉक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं कोई बंद बॉक्स खोलने पे कैसा दिखेगा खुला हुआ बॉक्स बंद करने पे कैसा दिखेगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते वो आपका पार्ट टू में डिस्कस किया जाएगा सो गाइज थैंक्स अलॉट फॉर हियर थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल आवर वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पर्सन एंड कमेंट बेलो थैंक यू